हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाई फाइव स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीजेड इंट्रेंस एग्ज़ाम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल को हो चुका है, अभी उसकी आंसर की नहीं है। और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से ये सूचना जारी की गई थी कि 10 से 15 मई के बीच आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, तो अभी आपके आंसर की नहीं है। रिजल्ट के संबंध में क्या खबर है, पूरी खबर लेकर के आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैं आ चुका हूँ। आज आएगा रुहेलखंड विश्वविद्यालय का परीक्षा फल, पूरी खबर इसके संबंध में दूंगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, लेकिन उससे पहले चाहेंगे इस चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में लगे बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 के संबंध में हो, सबसे पहले राहुल वाई फाई स्टडी चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुँच सके। तो लेते हैं पूरी खबर बिना समय के नुकसान के हुए, विस्तार से देखते हैं आखिरकार आज आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा। इसके संबंध में पूरी खबर लेते हैं हम लोग। यहाँ से पूरी खबर आप लोग देख सकते हैं, यूपी बीएड जेई रिजल्ट 2019 आज जारी हो सकते हैं नतीजे, ऐसे करें चेक। पूरी खबर विस्तार से यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा बीएड 2019 के परिणाम और बीएड जेई 2019 के परिणाम आज जारी किए जा सकते हैं। 100% कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन आज जारी किए जा सकते हैं। पूरी खबर और लेते हैं विस्तार से, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं मित्रों पूरी खबर। लखनऊ से ये हमारे खबर प्राप्त हो रही है, आपके सामने है ये पूरी खबर, यहाँ से आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड द्वारा बीएड 2019 और बीएड जेई 2019 के परिणाम आज जारी किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश बीएड 2019 की परीक्षा 15 अप्रैल 2019 को आयोजित की गई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी वह परिणाम जारी होने के बाद देख सकते हैं। साइट क्या है उत्तर प्रदेश, देख सकते हैं www.upbeard2019.in पर नतीजे चेक कर सकेंगे। बता दें कि परिणाम जारी होने की तिथि 10 से 15 मई के बीच में मानी जा रही थी, ऐसे में रिजल्ट के आ जाने की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। उम्मीदवार उत्तर प्रदेश बीएड 2019 तथा उत्तर प्रदेश बीएड जेई रिजल्ट 2019 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश बीएड 2019 की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.upbeard2019.in पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आता है आज, तो आप रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं इसके संबंध में पूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से यहाँ से देख सकते हैं आप। फर्स्ट जो आपका स्टेप उठाना है उसे देख सकते हैं। सबसे पहले यूपी बीएड 2019 की आधिकारिक वेबसाइट जो आपके सामने आपके स्क्रीन पर है www.upbeard2019.in, या फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ये देख सकते हैं आप www.mjpru.ac.in पर जा कर के यहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं, होम पेज खुलने के बाद आपको यू पी पी ई एड जी रिजल्ट 2019 के लिंक पर क्लिक करना होगा। रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करने के बाद छात्रों को अपना लॉगिन करना होगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा नंबर और पासवर्ड वो आपको फिल करना होगा। उसके बाद अगला जो देख सकते हैं, सफलतापूर्वक लॉगिन करते हैं रिजल्ट आपका पूरा पूरा खुल जाएगा, और रिजल्ट को डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट भी आप लिया जा सकता है। अब बात कर लें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग के संबंध में देख सकते हैं यूपी बीएड 2019 की प्रवेश परीक्षा काउंसलिंग, उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग राउंड कराया जाएगा। काउंसलिंग राउंड के लिए तिथियों को निर्धारित कर दिया गया है। यूपी बीएड काउंसलिंग जेई देख सकते हैं 2019 1 जनवरी से लेकर के 30 जून के बीच आपका आयोजित किया जाएगा विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को रैंक दी जाएगी, और उनकी रैंक के हिसाब से ही उन्हें सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा तय किया जाएगा। तो ये पूरी खबर थी काउंसलिंग के संबंध में, रिजल्ट डेट के संबंध में। तो लगभग आपके 6 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम में उपस्थित हुए थे, तो रिजल्ट के संबंध जैसे कोई और भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है या फिर रिजल्ट आज आपका जारी किया जाता है, तो आपको तुरंत इस वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचित किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर ये भी है आज कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय आज अपने जो है स्नातक और प्रस्नातक की जो है रिजल्ट जारी करेगा, ये इन्फॉर्मेशन आज न्यूज़पेपरों में छाई हुई है। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ पूरा विस्तार से, यहाँ से देख सकते हैं पूरी खबर। आज आएगा रुहेलखंड विश्वविद्यालय परीक्षा का परीक्षा विश्वविद्यालय का परीक्षा फल। रुहेलखंड विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा में शामिल हुए 4.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम बुधवार शाम तक घोषित करेगा। इसको लेकर मंगलवार को शाम तक नंबरों के फीडिंग का काम चलता रहा। पहली बार विश्वविद्यालय स्नातक और प्रस्नातक कक्षाओं का परीक्षा परिणाम एक साथ जारी करने की तैयारी में है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित 531 कॉलेजों के 4.5 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे। ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि स्नातक और प्रस्नातक
रिजल्ट आज विश्वविद्यालय रुहेलखंड विश्वविद्यालय जारी करेगा। तो क्या इसी के साथ में जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये बड़ी खबर है। देखते हैं आखिरकार क्या होगा। जैसा कि आज संभावना है तो जताई जा रही है कि रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा या नहीं आएगा अंतिम जैसे भी इन्फॉर्मेशन शाम तक मिलती है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी राहुल भाई फाइव स्टडी चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।